जिले के कोतमा विकासखंड अंतर्गत लामा टोला हाई स्कूल, इस स्कूल से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय चंद किलोमीटर की दूरी पर है। बावजूद इसके स्कूल कभी भी कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है। इस स्कूल में पढ़ रहे 207 बच्चों का जीवन खतरे में है। जर्जर भवन में प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ स्कूल जो 1998 से संचालित है, भवन भी 1998 में ही बना, पर विद्यालय बिना बिजली बिना पानी के है। बीते 21 वर्षों में यहाँ बिजली का कनेक्शन तक नहीं हुआ है। आज ये सरकारी स्कूल मदद की गुहार लगा रहा है। कैसा लगता है? डर लगता है कहीं गिर न जाए सर पे, हमेशा इसी में डर लगता है। हम तो सोचते हैं कि जल्द से जल्द स्कूल बन जाए। हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि निगमानी पे एडमिशन करा दी, लेकिन यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है इसलिए हम यहाँ एडमिशन करा दी, लेकिन ये सोचते हैं कि जल्दी जल्दी स्कूल बन। कैसे थे? एक साल गुजारे हैं, मम्मी पापा बोलते थे वहाँ मत जाओ, तो फिर हम लोग जबरदस्ती से आ रहे हैं यहाँ। कोई पास में स्कूल भी नहीं है, निगमानी तो थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो यहाँ ठीक रहता है पास में, तो ये इतना टूटा उठा है। तो मम्मी पापा फिर से बोलते मत जाओ, अपने जबरदस्ती से हम लोग आते हैं बाहर। मम्मी भी बोलती है कि स्कूल मत जाया करो, लेकिन पढ़ने के लिए यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है इसलिए आ जाते हैं। पूरा टूटा फूटा है, प्रार्थना भी करते नहीं आता वहाँ, उस तरह गिर जाता है प्रार्थना करते वक्त। बारिश होने पर बारिश का पानी क्लास में भर जाता है। जर्जर दीवालों में लटक रहे प्लास्टर के टुकड़े अक्सर बच्चों के ऊपर गिर जाते हैं। शिक्षक बरसात के सीजन में अक्सर बच्चों को स्कूल ना आने और कई बार भारी बारिश होने पर स्कूल की छुट्टी भी कर देते हैं। बच्चों की जान बचाने उन्हें एक कदम उठाना पड़ता है। विद्यालय के प्राचार्य ने कई बार उच्च स्तरीय अधिकारियों से विद्यालय के जर्जर होने की और समस्याओं की जानकारी दी है, पर किसी के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। सर, जिले का एक विद्यालय है लामाटोला ग्राम पंचायत में, 12वीं तक का स्कूल है, शंकुल शिक्षा केंद्र भी है। वो बिल्डिंग की हालत सर ऐसी है कि कभी भी गिर सकता है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लगभग 175 छात्रों का जान जो है वहाँ पे खतरे पे है। क्या हालात हैं अभी? हमने आपको वीडियो भी दिखाया, आपने खुद देखा है उसको। अभी आपने ये जानकारी मेरे संज्ञान में लाया है, हमें एसी ट्राइबल और एसडीएम से इसकी जाँच करवाएंगे और अगर मरम्मत लायक होगी उसको हम सिर्फ मरम्मत करा के उसको कराएंगे ताकि बच्चों को कोई जान को खतरा ना हो। सर, लगातार कई बार प्रशासन को इसकी शिकायत की जा चुकी है, फिर भी कोई, गांव वालों का ये कहना है लगता है प्रशासन किसी दुर्घटना की का इंतजार कर रहा है इस तरह की। नहीं, प्रशासन दुर्घटना का इंतजार नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तक संज्ञान में नहीं था मेरी है। अब आपने लाया तो तुरंत कार्रवाई। चलिए, थैंक यू सर। और व्हाट्सएप के माध्यम से या विभिन्न जिन जिन माध्यमों से हो सकता है और लिखित रूप में हर बार जानकारी देते हैं। कितनी बार होगी शिकायत करते, कब से शिकायत करते आ रहे हैं? शिकायत तो नहीं कहेंगे, यहाँ की जानकारी हम 2013 से मैंने ऊपर वरिष्ठ कार्यालय में हाई फाइव ऑफिस में जो हमारा के मैंने मुख्य ऑफिस है वहाँ पे हम देते आ रहे हैं 2013। क्या उधर से कोई आपकी सुनवाई नहीं हो रही? मतलब नहीं सुनवाई नहीं, मैंने ये है कि वहाँ से ये है कि जब प्रस्ताव बोल रहे चला गया है उस पर वो हो तो उस पर कार्रवाई हो।